कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दौरान दिल्ली को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। जी हां, कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत झेलने के बाद दिल्ली सरकार अब मेडिकल ऑक्सीजन पर आत्मनिर्भर बनने की तैयारी में जुट गई है। सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन प्रोडक्शन सिस्टम, भंडारण और टैंकर खरीदने वाले निजी क्षेत्र की संस्थाओं को प्रोत्साहन के साथ सब्सिडी भी उपलब्ध कराई है। इसके लिए दिल्ली सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी गई है। आपको बताएं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भविष्य में मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनाया गया है, इसलिए हम ये नीति लेकर आए हैं जिसमें ऑक्सीजन उत्पादन, भंडारण सुविधाएं और ऑक्सीजन टैंकर स्थापित करने के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को सरकार मदद करेगी। ऑक्सीजन नीति के तहत सरकार ऑक्सीजन के उत्पादन में बढ़ोतरी चाहती है जिससे दूसरे राज्यों पर निर्भर न होना पड़े। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।